गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम विज्ञान में अध्याय 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे सूक्ष्म जीव होते कहाँ हैं, इनकी उपस्थिति कहाँ है, इनका वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इस अध्याय में ही जानेंगे। पहले तो हम सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय जो है, पहले सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय क्या है इसके बारे में जाने। हम जानते हैं कि जो ये सूक्ष्म जीव हैं, ये ओमनी प्रेजेंट हैं, ये सर्वव्यापी हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे इनकी उपस्थिति न हो। पहले इस चीज को हम समझ लें कि हम चाहे जो भी प्लेस हो, हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, जो भी है, ये हर जगह उपस्थित हैं, ये ओमनी प्रेजेंट हैं, ये ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहां पे इनकी उपस्थिति नहीं है। अब हमने यहां बताया इनके परिचय में, हमारे आसपास हम चाहे जहां रहते हैं अनेक प्रकार के पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं। हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस स्थान पे रहते हैं, हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे हैं, जीव है, ये सब जंतु पाए जाते हैं जिनसे हम परिचित हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी आपके सामने आ जाए, मनुष्य आ जाए, कुत्ता बिल्ली आए, आप सबको पहचान लेंगे, आप इनसे परिचित हैं। और क्या है, इनसे हम परिचित हैं। परंतु अनेक जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो हमारे आसपास हैं, सामने टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, हमारे हाथ पे हैं, कहीं भी हैं, बट हम उनको देख नहीं पाते हैं। ये जीव आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, इनका आकार इतना छोटा होता है कि जिनको हम देख नहीं सकते हैं नंगी आंखों से, विदाउट माइक्रोस्कोप में हम ऐसे जीवों को देख नहीं सकते हैं। जब तक हमारे पास हैंड लेंस, सूक्ष्मदर्शी, ये चीजें ना हो, हम उनको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। इनको अगर को देखना है तो इसके लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है। विदाउट माइक्रोस्कोप ऐसे जीवों को हम नहीं देख सकते हैं। और फिर इसके बाद क्या है, इनकी उपस्थिति कहाँ है, कहाँ कहाँ पे उपस्थित हैं। हमने बताया आपको सूक्ष्म जीव जो है सर्वव्यापी होते हैं, ओमनीप्रेजेंट होते हैं, हर स्थान पे विद्यमान है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पे नहीं पाए जाते हैं। ये हवा में भी हैं, पानी में भी हैं, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर के अंदर एवं बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं है। ये अत्यंत विषम पर्यावरण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों, विषम पर्यावरण माने ऐसा वातावरण जहां हम आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर हमें ऐसे क्लाइमेट जहां पे अगर हमको छोड़ दिया जाए हम मर जाएं, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी ये जिंदा रहते हैं। ये चाहे जैसी परिस्थितियां हो, हर परिस्थितियों में फेस कर लेते हैं, अपने को जिंदा रखते हैं। जैसे बर्फ में हो वहां भी जिंदा रहेंगे, गर्म पानी के झरने हैं वहां भी जिंदा रहेंगे, समुद्र की तली में भी जिंदा रहेंगे। हम आप जिंदा हैं क्या, अगर हमको पानी में डाल दे जिंदा रहेंगे, हम मर जाएंगे, बट ये समुद्र की तली में भी जिंदा रहते हैं, अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं और पौधों के शरीर में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो जंतुओं के शरीर के अंदर हैं और वो वहां पे जीवित हैं। जीवित कैसे हैं, वो पैरासाइट के रूप में, परजीवी के रूप में हमारे शरीर में पड़े हुए हैं। आपको हम जैसे एक परजीवी के बारे में बताएं, हमारे अंदर जो मनुष्य होता है उसके आंख में जो है एक एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक सूक्ष्म जीव है जो परजीवी के रूप में पड़ा रहता है। वह शरीर में पेट के अंदर पहुंचता है और वहां पे इन्फेक्शन फैला देता है और उसकी संख्या बढ़ जाती है। इसके द्वारा मनुष्यों में एक बीमारी होती है जिसमें पेचिस नामक एक रोग होता है जो इसी जीवाणु के द्वारा, इसी सूक्ष्म जीव के द्वारा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवों को हम सामान्यतः निम्नलिखित 5 समूहों में बांटे हैं। जो हमारा पहला समूह है यह जीवाणु है, बैक्टीरिया बोलते हैं, विषाणु है इसको वायरस बोलते हैं, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही बोलते हैं, कवक को फंजाई बोलते हैं, शैवाल को एल्गी बोलते हैं। ये 3 भागों में हमने डिवाइड किया, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। ठीक है,
इनका हमने जो डिवीजन किया है, पांच भागों में डिवाइड किया है, जीवाणु विषाणु प्रोटोजोआ कवक शैवाल। अब हम प्रोटोजोआ जीवाणु विषाणु के बारे में कल विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हमने इस अध्याय में सूक्ष्म जीवों का परिचय देखा, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति देखा, ठीक है, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण देखा। अब हम इन पांचों जीवाणुओं के वायरस प्रोटोजोआ कवक के बारे में कल चर्चा करेंगे। ओके।